खबर म्यागजिनको लागि आज बडो सुखदको दिन छ, किनकि हामीले बङ्गालका एक सिनियर जर्नलिस्ट स्निग्धेन्दु भट्टाचार्यलाई कालेबुङको यो होटलको कोठामा भेटेका छौँ। स्निग्धेन्दु भट्टाचार्य द मिसन 2021 नामक किताबको लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ द वायर, आउटलुक र न्युज लन्ड्रीमा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ। पहाडमा कस्तो किसिमको चुनावी हावा चलिरहेको छ त्यसलाई स्टडी गर्नको निम्ति उहाँ कालिम्पोङ आइपुग्नु भएको छ। उहाँसँग भेट हुँदाखेरि यो मौका हामीले नचुकाउने निधो गऱ्यौँ र बङ्गालमा अहिले कस्तो किसिमको चुनावी हावा चलिरहेको छ यसलाई स्निग्धेन्दु दाले कसरी स्टडी गरिरहनु भएको छ त्यसको सेरोफेरोमा बसेर हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। स्निग्धेन्दु दा, आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी बंगाल में किस तरह का वेव चल रहा है, कैसे देखते हैं आप बंगाल को? देखिए, वेव दोनों तरफ है। एक टीएमसी की तरफ भी है, प्रो इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग हैं जो सोचते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ने अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट किया है, काफ़ी सारा जो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट हैं, कन्याश्री, रूपश्री, और जो काफ़ी सारे भाता देते हैं, स्टाइपेंड देता है, कल्चरल आर्टिस्ट का भाता है, बुज़ुर्ग लोगों का भाता है, विडो पेंशन है, लोक शिल्पी का एक मंथली स्टाइपेंड है, इन काफ़ी सारे चीज़ों से, और रास्ता का उन्नयन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, पंचायत से भी काम हुआ है, तो इनसे तो एक काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि टीएमसी गवर्नमेंट लौट आए। अच्छा। लेकिन एक ही साथ वहाँ टीएमसी के खिलाफ भी एक बहुत तेज हवा है, वो भाजपा के पक्ष में ही ज़्यादा है। अच्छा। तो कुछ तो ये लोग चाहते हैं कि ये लोग टीएमसी गवर्नमेंट से नाराज़ है। अच्छा। क्योंकि 10 साल हो गया, और पहले 5 साल ठीक ही था, लेकिन दूसरे 5 साल वहाँ लोकल लेवल का जो लीडर्स था टीएमसी का, उन लोगों ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। मतलब वो लोगों पर दादागिरी किया और इधर उधर काटमानी लिया, इधर उधर गांव के काम में कुछ करप्शन भी हुआ, तो इससे वो लोग लोकल लीडर पर खौफ भी जनता का है। अच्छा। इसी के साथ ये जो कम्युनल पोलराइजेशन है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसका भी कुछ असर पड़ा है जनता पर। अच्छा। तो काफ़ी सारे लोग जो हिंदू हैं वो सोचते हैं कि ममता बनर्जी हिंदू के खिलाफ है, और सिर्फ भाजपा ही एक हिंदू को कुछ हिंदू के लिए अच्छा कुछ करेगा, तो ये एक दूसरा चीज़ है ममता बनर्जी के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में। और एक तीसरा चीज़ है जो भाजपा ने, एक चिंता जो भाजपा ने स्प्रेड कर सका है पहाड़ से समुंदर तक, कि ममता बनर्जी का तो 10 साल हो गया, उसके आगे अपने सीपीएम को 34 साल देखा था, फिर कांग्रेस को भी देखा था, अपने भाजपा को कभी नहीं देखा, मोदी जी को कभी मौका ही नहीं दिया बंगाल के लिए काम करने के लिए, तो एक बार हमें भी मौका दे के दीजिए। तो ये लोग सोच रहे हैं भाजपा के प्रचार से, कुछ लोग इसमें भी प्रभावित हो चुके हैं कि शायद सीपीएम जाने के बाद, दीदी आने के बाद हमें कुछ बेनिफिट हुआ, सीपीएम से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो अगर एक बार फिर सरकार गिरा दूँ तो कुछ और भी अच्छा कुछ हो सकता है जो नया आए। तो ये तीन चिंता मिलाकर भाजपा के तरफ भी एक हवा है। अब ये कुल मिलाकर किसके तरफ ये हवा तेज है, ये इसका ये बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो बीजेपी को अगर हम लोग बंगाल में देखें तो 2016 के विधानसभा इलेक्शन तक, आपने वो बुक में भी मेंशन किया है मिशन बंगाल 2021 में, कि बीजेपी एक फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी था। 2019 में बहुत बड़ा अपसर्ज देखने को मिला, 40% समथिंग वोट मिला है भाजपा को, तो इतना बड़ा वो जमीन लेने का मौका कैसे मिला, आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए मौका उनको उनका बंगाल में उनका जो जन पॉपुलरिटी है उनका शुरुआत हुआ 2013 की एंड से। क्यों हुआ? क्योंकि 2013 का जो पंचायत इलेक्शन था उसमें CPM कुछ कर नहीं पाया, तो पंचायत इलेक्शन की थोड़ा ही आगे ये शारदा का जो स्कैम है वो सबके सामने आया था, लेकिन उसका कुछ असर इलेक्शन में चुनाव में नहीं पड़ा। और फिर उसी समय एक घटना हुआ था, वो दिल्ली में SFI के लोग व्रतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में अमित मित्रा का, फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा का हेरासमेंट किया था, हेकल किया था। तो जिस दिन वो हुआ उसी दिन रात को और उसके अगला दो दिन तक गांव-गांव में CPM पार्टी ऑफिस पर हमला हुआ, TMC ने, वो दिल्ली में जो हुआ उसके खिलाफ। तो उसके बाद वो 13 का जून जुलाई के अंदर CPM का एकदम हालत खराब हो चुका था। अच्छा, पार्टी ऑफिस बंद हो गया, पंचायत में वोट भी नहीं मिला। तो उसी समय लोग सोच रहा था कि अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि CPM अगर TMC के खिलाफ लड़ना है, TMC से टक्कर लेना है तो कौन लेगा, कैसे लूंगा। तो भाजपा उसी समय से RSS के हेल्प से उनका काम शुरू कर रहा था। RSS के हेल्प के कैसे, RSS सामने आके कभी पॉलिटिक्स नहीं करता है, लेकिन RSS उनका कुछ चुना हुआ लोग को भाजपा में भेजते रहते हैं कि तुम भाजपा में जाओ और भाजपा के लिए काम करो। अच्छा, तो ऐसे वो ग्रास रूट लेवल में RSS का जो स्वयंसेवक था उन लोगों ने भाजपा में आना शुरू कर दिया, भाजपा को फ्लैग लेकर पॉलिटिकल काम शुरू कर दिया। और उसके बाद वो 2013 का एंड में भाजपा ने मोदी को चुना प्रधानमंत्री के दावेदार जैसे के इलेक्ट किया कि वो ही हमारा प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है। तो आपको याद रहेगा कि 2013 के एंड से RSS पूरा देश भर एक वेव जमाने का कोशिश कर रहा था मोदी को लेकर, मोदी वेव जिसे हम कहते हैं जी। क्योंकि आपको याद होगा कि उस समय ये स्लोगन भी आया था, हर हर मोदी। उसका बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था, क्योंकि हर हर तो हम महादेव बोलते हैं, हर हर मोदी क्यों बोलूंगा। लेकिन वो चालू हो गया, वो स्लोगन चालू हो गया, पूरा देश में वो स्लोगन चल गया, बंगाल में भी उसका असर पड़ा। और फिर 14 में जब चुनाव के लिए कैंपेन करने आया मोदी, तो उसने भी पहले से ये घुसपैठिया मुद्दा उठाया, पहले से ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाया, और उस वेव का एक असर तो बंगाल में भी पड़ा कि भाजपा का वोट परसेंट वो 2011 में सिर्फ 4% था 11 का चुनाव में, और 14 में वहां से 4 से बढ़कर 17 हो गया। अच्छा, तो इसका असर था। और वो जो आपको याद रहेगा कि वो जो फिश फ्राई एपिसोड था कि ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करने गए बिमान बोस और बाकी सर बाम नेता 14 के जून में, और रिपोर्ट हो गया कि ममता ने उनको फिश फ्राई ऑफर किया था और उन लोगों ने खा भी लिया था। तो उसका एक असर पड़ा था, खराब असर पड़ा था CPM में। तो उसके बाद क्योंकि TMC से जूझना मुश्किल हो रहा था इधर, और उधर दिल्ली में मोदी आ गया और मोदी बोल रहा था कि मैं दीदी से टक्कर लेने वाला हूँ, तो CPM का जो सपोर्टर था, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सपोर्टर था, RSP का जो सपोर्टर था, ये लोग जिला जिला में BJP ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो पहले जो वो था BJP जो ग्रोथ हुआ 14-15 में, वो हुआ RSS का वॉलंटियर्स स्वयंसेवक और CPM का सपोर्टर और ग्राउंड लेवल लीडर। लेकिन उसके बाद भी 16 में कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लोग सोच रहे थे कि बंगाल में तो BJP वीक है ना, तो CPM कांग्रेस एक साथ मिल गया तो शायद इसका जोर ज्यादा होगा, तो TMC से साथ शायद लेफ्ट कांग्रेस ज्यादा अच्छा पंगा लेना पाएगा। इसलिए विधानसभा 2016 में भाजपा को वोट उतना नहीं मिला, उसका परसेंटेज कम हो गया, 10 हो गया। लेकिन अगर आप देखिए कि वो विधानसभा चुनाव के बाद CPM का मॉरल एकदम डाउन हो गया, कि CPM ने सोचा कि CPM सपोर्टर ने सोचा कि ये पार्टी और कुछ नहीं कर पाएगा। अगर पंचायत में शारदा था तो विधानसभा चुनाव के आगे नारदा था,
ये सब कुछ को लेकर भी अगर पार्टी ने कुछ नहीं कर पाया और टीएमसी का वोट या सीट बढ़ गया तो इस पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, तो 2016 के बाद सीपीएम वाला लोग सब छोड़ना शुरू कर दिया और भाजपा का फ्लैग लेना शुरू कर दिया। और अगर आप देखें कि जो बाई इलेक्शन हुआ असेंबली का, लोकसभा का 2016 में 17 में, उत्सव बाई इलेक्शन में, कुछ बिहार में बाई इलेक्शन हुआ था रेणुका चौधरी का मौत के बाद, पूर्व मिदनापुर में बाई इलेक्शन हुआ था, इन सभी बाई इलेक्शन में बीजेपी ने सेकंड पोजीशन में चला आया। अच्छा, और फिर 18 का जो पंच, उसी से समय से गांव की जनता देख रहा था कि ये तो सेकंड पोजीशन भाजपा ले रहा है, सीपीएम और पीछे जा रहा है, भाजपा आगे बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा असर पड़ा 2018 का पंचायत चुनाव का, क्योंकि इतना वायलेंस हुआ, इतना जोर जुलुम हुआ, उन्होंने टीएमसी ने ज्यादातर जगह पर लोगों को कंटेस्ट ही करने नहीं दिया, फिर भी चुनाव के बाद दिखा गया कि टीएमसी के सबसे नजदीक भाजपा है, सीपीएम कांग्रेस बहुत पीछे पड़ गया। तो उसी समय जनता ने सोच लिया था कि टीएमसी के खिलाफ आप बीजेपी ही है, तो उसके आगे जो हो रहा था एंटी टीएमसी वोट डिवाइड हो रहा था, कुछ सीपीएम को मिल रहा था, कुछ भाजपा को मिल रहा था, कुछ कांग्रेस को मिल रहा था। हाँ। क्योंकि जनता को ये पता नहीं था कि टीएमसी के खिलाफ सबसे स्ट्रांग कौन है। 18 के पंचायत चुनाव के बाद ये सबके सामने क्लियर हो गया कि टीएमसी से पंगा लेने वाला सिर्फ भाजपा ही है, क्योंकि उनके पास दिल्ली है, क्योंकि उनके पास मोदी है, अमित शाह है और काफी सारे मंत्री हैं जो आते हैं। अब सोचिए, अब अगर कलिम्पोंग में या सोचिए गंगा सागर में या पुरुलिया में किसी बीजेपी फैमिली पर हमला हुआ या किसी का मौत हो गया, तो नेता लोग दिल्ली से दौड़ के आते हैं ना, मिलने के आते हैं ना। लेकिन अगर सीपीएम और कांग्रेस का कुछ होता है, उनका नेता लीडर्स तो नहीं आते हैं। अच्छा, और जो टीएमसी के साथ टक्कर लेने से जो नेता को जेल में भेजा गया, केस दिया गया, ये तो टीएमसी बहुत जगह किया था, सीपीएम के लीडर पर केस लगाया, कांग्रेस के लीडर पर केस लगाया, तो ये जो वर्कर था जिसको ऊपर केस लगाया, सीपीएम कांग्रेस से इनका सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जो भाजपा वर्कर पर जो केस लगाया उसका पूरा खर्च तो उधर बीजेपी का लॉयर दे दिया। तो ये जो सुविधा बीजेपी ने दिया उसका सपोर्टर को, इसी से आरएसएस वॉलंटियर, सीपीएम बाम का सपोर्टर, ज्यादा बाम सपोर्टर, ये मिलाकर भाजपा का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उसके साथ जुड़ गया टीएमसी का जो विक्षुब्ध नेता थे, टीएमसी में जो टीएमसी लीडर्स जो दल में पार्टी पर जो नाराज थे वो लोग भी जुड़ गया। तो इसलिए संगठन में कोई समस्या नहीं है। अगर आप पहाड़ छोड़ के किसी भी जगह जाए, वो सुंदरबन से जंगल महल तक या नदिया के बांग्लादेश बॉर्डर में या कुछ बिहार की कुछ इलाका, जहां भी जाइए किसी भी इंटीरियर गांव में भाजपा का आदमी है। अच्छा, सभी जगह उनका, और ऑर्गेनाइजेशन डेफिशिएंसी नहीं है बंगाल में, क्योंकि वो तो सीपीएम और टीएमसी का लोग मिलकर बना दिया ना संगठन। अच्छा, वो भाजपा ऑर्गेनाइजेशन भी तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो दिखाई दे रहा है, पर वो टिकट देने के मामला में जब हम लोगों ने स्टडी किया कि वो एमएलए वो विधानसभा सीट के लिए जितना भी टिकट दिया गया है, ज़्यादातर टिकट टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों को ही ज़्यादातर दिया गया है। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बीजेपी के लिए? ये कुछ जगह प्रॉब्लम होगा, कुछ जगह एडवांटेज होगा। अब ये समझना बहुत मुश्किल है कहाँ कैसा होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि 2019 के चुनाव में भी टीएमसी का वोट परसेंटेज बीजेपी से ज़्यादा था और टीएमसी का वोट परसेंटेज बढ़ा था, 2014 से तो बढ़ चुका था ना। तो बीजेपी ने देखा कि टीएमसी का वोट परसेंटेज में कुछ कम नहीं हो रहा है, टीएमसी का पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रहा है, भाजपा का वोट बढ़ रहा है क्योंकि विरोधी वोट एक जगह आ रहा है, विरोधी वोट में कुछ बंटवारा नहीं हो रहा है, वो कांग्रेस में सीपीएम में नहीं जा रहा है। अच्छा, लेकिन टीएमसी का वोट तो नहीं कम रहा है, तो टीएमसी का वोट कमाना पड़ेगा। टीएमसी के वोट कमाने से एक ही उपाय है, टीएमसी से नेता को लाओ जो जिन नेताओं के साथ उन नेता का फॉलोअर्स और उसका फैमिली का वोट आएगा। अच्छा,
जितना लीडर मैं टीएमसी से यहाँ मेरे पार्टी में लाऊंगा उतना ही तो 100 200 300 500 जितना ही फॉलोअर्स के वोट आए, उसका फैमिली मेंबर्स के वोट आए, टीएमसी का कम रहा है और मेरा बढ़ रहा है ना। क्योंकि उनके पास दो हिसाब था, एक तो 14 का लोकसभा का हिसाब था जिसमें 3% टीएमसी का वोट ज्यादा था, और अगर 2019 का ही जो बाई इलेक्शन था नवंबर में तीन सीट में, अगर हम उसका वोट परसेंटेज देखें तो 7% का डिफरेंस था। अच्छा, वहाँ टीएमसी के वोट परसेंटेज 45 हो चुका था और भाजपा का 37 में आ चुका था। तो ये जो 5 से 8% डिफरेंस है भाजपा का और टीएमसी के बीच में, इस डिफरेंस को कम करने के लिए उन्होंने रिस्क लिया कि छोड़ो मेरा लोग अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। उन्होंने सोच लिया, जैसे ममता बनर्जी भी अब सोच रहे हैं कि मुसलमान लोग मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए वो मुसलमान के बात कम कर रही हैं। ऐसे भाजपा ने भी सोचा कि वो तो मेरा अपना लोग हैं, वो जो मेरे साथ पिछले 7-8 साल काम कर रहे हैं तो अपना ही लोग हैं, ठीक है उन्हें मैं संभाल लूंगा, अब टीएमसी वाले लोगों को टिकट दे दो, क्योंकि अच्छा। अगर उनके साथ कुछ 1% वोट भी आए तो भी तो वो परसेंटेज में चेंज होगा। भाजपा के लिए और एक प्रॉब्लम है कि भाजपा जो वो तो हिंदुइज्म को लेकर ये रिलीजियस पोलराइजेशन तो कर ही रहा है, पर एक बात है कि नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का हिंदुइज्म का फॉर्मेट है वो बंगाल के हिंदू कम्युनिटी के फॉर्मेट से डिफरेंट दिख रहा है। तो इस तरह से देखे तो बंगाल के कम्युनिटी भाजपा का जो हिंदुइज्म का फॉर्मेट है उसको एक कल्चरल इंटरफेरेंस के रूप में देख रहे होंगे, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम साबित हो सकता है। ये तो प्रॉब्लम था, ये अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात है कि इस जो बंगाल के जो अपना संस्कृति इसे लेकर लोगों का जो प्राइड है ये कलकत्ता के आसपास ज्यादा है। अच्छा, अर्बन सेंटर में ज्यादा है। अच्छा। गांव में ये बंगाली संस्कृति से भी ज्यादा अब प्रभाव दिखा रहा है ये हिंदू मुस्लिम इशू का, लेकिन फिर भी भाजपा को इधर नॉर्थ इंडिया में वो जो राजनीति करता है कर रहे हैं उससे थोड़ा तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर तो उधर तो ब्राह्मण छोड़िए, उधर तो नॉर्थ इंडिया में जो नॉन ब्राह्मण हैं वो भी मांस, वो भी निरामिषाशी हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण भी मांस मांस खाते हैं। इधर तो पूरा खाने का पहनने का सब कुछ अलग है, इधर तो हिंदू लोग भी लुंगी पहनते हैं, और मोदी जी ने कह दिया कि तो ड्रेस देखकर पता चलता है किसने सीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा। तो उसके टोपी देखकर लुंगी देखकर पता चलता है, लेकिन बंगाल में हिंदू लोग भी लुंगी पहनता है, ज्योति वैसे लुंगी पहनता था, तो कल्चरल जो क्लैश है, संस्कृति के संघात भाजपा के साथ बंगालियों का तो है। मतलब अब राम को भी देखे तो बंगाली कम्युनिटी, बंगाली हिंदू कम्युनिटी में राम उतना फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं रहा। फेवरेट कैरेक्टर रहा लेकिन वो था लिटरेचर में, राम के कहीं, राम का जो कहानी जो ये है जो स्टोरी है वो तो कृतिवास के रामायण में है, कृतिवास के रामायण काफी पॉपुलर है और घर घर में राम के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन राम यहाँ साहित्य का एक कैरेक्टर था। अच्छा, राम बंगाल में इतना तो भगवान नहीं था। आप घर घर में जाइए, बंगाल के घर घर में जाइए, जो फोटो रहता है भगवान का उसमें राम का फोटो कितने घर में मिलेगा? 100 घर ढूंढने से 1-2 घर में मिलेगा, बाकी जगह कहाँ मिलेगा? बंगाल में तीन पहाड़ छोड़ के बाकी बंगाल में, क्योंकि गोरखालैंड का जो इशू है वो बाकी बंगाल से थोड़ा अलग है, कल्चर भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, तो बाकी बंगाल में सबसे पॉपुलर ईश्वर कौन है? शिव है, कृष्णा है और काली है। घर घर में आप जाइए आपको ये तीन मिलेगा, शिव मिलेगा, काली मिलेगा और कृष्णा मिलेगा, राधा कृष्णा मिलेगा, लक्ष्मी भी मिलेगा, लेकिन राम तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वो कैसे किया? अब पिछले
तीन चार सालों से गांव गांव में जहां जहां मौका मिला उन्होंने हनुमान के मंदिर बना लिया, छोटा छोटा मंदिर। किसी के काफी सारे जगह है जहां मंदिर भी नहीं है, सिर्फ एक हनुमान के मूर्ति गाड़ दिया, अच्छा लगा दिया वहां पर। तो अब हनुमान के पूजा से तो राम संपर्क है, अब हनुमान का पूजा होगा तो जय श्री राम भी होगा। तो ऐसे वो ये हनुमान को लेकर यहाँ राम को गांव-गांव में पॉपुलर कर रहे हैं पिछले तीन चार सालों से। तो ये उनका प्रोजेक्ट है, सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है कि बंगाल में है हम लोग राम को पॉपुलराइज करूं, क्योंकि राम हमारे पूरा भारत में हमारे उनका जो पॉलिटिक्स है, उनका पॉलिटिक्स का तो पहला मुद्दा है राम, और तो कुछ नहीं है। एक मुद्दा दिखता है राम, और एक मुद्दा दिखता है कि सरकार का काम व्यवसाय में रहना नहीं है, सरकार के काम बेच देना है। तो ये तो दोनों उनका सबसे बड़ा मुद्दा है पूरा देश में। अब बंगाल में राम को तो जनता पूजा नहीं करता था, पूरा बंगाल घूमिए, यहाँ 80,000 पोलिंग बूथ है, 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये 294 विधानसभा में घुमाकर उन वो लोग 294 राम का मंदिर दिखा नहीं पाएगा। 294 तो छोड़िए, उसे उन्हें वो लोग पूरा बंगाल में 100 भी राम का मंदिर दिखा नहीं पाएगा, जहां हजार हजार शिव का मंदिर है, काली का मंदिर है, और राधा कृष्ण का मंदिर है, और जो लोग घर घर में पूजा मिलते हैं जिनको। तो काफी सारे जगह जैसे ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी वो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा, कम्युनिस्ट पार्टी जैसा, ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन भी सोशल इंजीनियरिंग का काम में बहुत फोकस रखते हैं। तो सोसाइटी में जो नहीं है वो चिंता सोसाइटी में घुसाने इनका मकसद है। तो राम यहाँ पॉपुलर नहीं था, अच्छा। तो हमको इसे पॉपुलर करना पड़ेगा, और ऐसे वो पॉपुलर करने का कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। 2019 में खराब परफॉर्मेंस के बाद टीएमसी में प्रशांत किशोर का पोल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में एंट्री हुआ। उसका कुछ कोर्स करेक्टिव ड्राइव के बारे में आपने बहुत कुछ स्टडी किया है, उसके बारे में लिखा भी है। टीएमसी के पक्ष में ये प्रशांत किशोर का कोर्स करेक्टिव ड्राइव कितना इफेक्टिव होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अभी तक इफेक्टिव ऐसे इसलिए लग रहा है, अल्टीमेटली चुनाव में क्या होगा किसी को भी पता नहीं, क्योंकि लग तो रहा है कुछ इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि बीजेपी का जो इतना सारा विंग से इतना सारा लीडर लेके पूरा देश का जो ताकत है, उनका पूरा ताकत उन्होंने बंगाल पर लगा दिया। बीजेपी तो है ही, उसके साथ आरएसएस है, और आरएसएस के साथ उनका तो 30-40 संगठन है, ये सब संगठन गांव-गांव में काम कर रहा है, और बहुत सारे जगह बीजेपी आरएसएस वालों बहुत फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है। उसके साथ तो ये जो लीडर है, ये टीएमसी से सीपीएम से लीडर को इधर ले ला रहा है। तो अभी तक जो टीएमसी ने ये परसेप्शन जनता में रखने में संभव, उसका जो संभव हुआ, सफल हुआ, उसका कारण है कि ये लड़ाई में पीके और उसका टीम टीएमसी के साथ है। अगर नहीं होता तो टीएमसी अकेला इतना देर तक ये लड़ाई चला नहीं पाता, क्योंकि वो तो अकेला एक औरत है, वो ही पार्टी का सब है, और उनके साथ जो लोग हैं वो ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं लगता है। अच्छा, इलेक्शन मैनेजमेंट में तो नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है नंदीग्राम का बैटल, वहाँ पर किसको आप मतलब ज्यादा भारी दिखता है आपको ये सुबह? नंदीग्राम में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि उधर जनता का एक सेक्शन वो तो ममता के पक्ष में है, कहते हैं कि ममता दीदी ने बहुत कुछ किया है नंदीग्राम के लिए। 2007-08 से वो यहाँ आए थे, और नंदीग्राम में काफी सारा डेवलपमेंट भी हुआ।
पंचायत का काम हुआ हुआ, स्वनिर्भर गोष्ठी का काम बहुत सारा हुआ, पानी का काम हुआ, रास्ता का काम हुआ, घर का काम हुआ, अस्पताल बना, काफ़ी सारा काम उधर हो चुका है। और सरकारी जो जो प्रोजेक्ट मिलता है वो प्रोजेक्ट भी अच्छा मिला। लेकिन दो चीज़ है, एक है कि शुभेंदु अधिकारी ने उस नंदीग्राम का पूरा कैंपेन कम्युनल लाइन पर किया है, पूरा का पूरा कैंपेन, तो इसका कुछ प्रभाव तो उसका वहाँ का जनता पर आया है, क्योंकि पूरा कैंपेन ही किया है कि अगर दीदी जीत जाए तो नंदीग्राम ये मुस्लिम लोग कैप्चर कर लेगा। अब वो तो मुस्लिम नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है पाकिस्तानी। अब ये बहुत ही खतरनाक पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप दो दिन आगे तक आप शेख सुफियान अबू ताहिर के साथ एक साथ घूम रहे थे, आप उनके घर में जाकर लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, और अब उन जो जो उन लोगों ने आपके साथ दल पार्टी नहीं छोड़ा तो वो लोग पाकिस्तानी बन गया। तो आप इतना देर तक एक पाकिस्तानी के साथ आप लोग हाथ मिलाकर काम रह कर रहे थे। लेकिन ये जो लगातार कैंपेन वहाँ हो चुका ये कि मुस्लिम मुसलमान लोग नंदीग्राम दखल कर लेगा, मुसलमान लोग नंदीग्राम दखल कर लेगा, उसका कुछ प्रभाव तो वहाँ पर जनता पर आया है। और शुभेंदु का वहाँ तो अपना कुछ पॉपुलैरिटी भी है, क्योंकि ममता बनर्जी का वही तो ममता बनर्जी का वहाँ का लिंक मैन था। ममता बनर्जी तो खुद वहाँ विजिट नहीं करते थे, तो इस सब कुछ मिलाकर वहाँ का इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और एक बहुत बहुत बड़ा अंश सेक्शन हुआ साइलेंट वोटर थे, ये साइलेंट वोटर किसके तरफ थे वो समझना एकदम असंभव था, क्योंकि किसी जगह लग रहा था कि ये साइलेंट वोटर डरे हुए हैं शुभेंदु से, तो वो लोग शायद ममता को वोट डालेगा। अच्छा। कुछ जगह लग रहा था कि साइलेंट वोटर डरे हुए हैं टीएमसी से, तो उस जगह शायद वो लोग बीजेपी को वोट डालेगा। अब सब मिलाकर वहाँ का इक्वेशन बहुत मुश्किल है। और ये भी लोगों को पता नहीं है शायद कि लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में कैंडिडेट होगा, ये अनाउंस करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू मुस्लिम शुरू किया। लेकिन बात यह है कि वो जो ये करेगा उसका शुरुआत वो एक साल आगे किया था, मतलब बीजेपी में ज्वाइन करने से भी बहुत पहले बीजेपी मतलब में तो माइंड बना चुका था, माइंड बना चुका था बीजेपी ने, तो ज्वाइन किया दिसंबर में, लेकिन अप्रैल से वहां पर नंदीग्राम में हिंदू संगठन का काम शुरू हो गया। हिंदू जागरण मंच इसने नंदीग्राम के काफी सारे जगह में प्रोग्राम शुरू किया, छोटा 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 मोटा मीटिंग लोगों के साथ, छोटा मोटा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग। और जाके वहाँ जब मैंने घुमा गांव, तो ये पता चला कि वो शुभेंदु के ग्रीन सिग्नल से ही वो हो रहा था। और उसी समय अगस्त के 5 तक, 5 अगस्त जब वहाँ अयोध्या में नरेंद्र मोदी ये राम मंदिर का जो उद्घाटन किया, जो उद्घाटन तो नहीं, वो जो शिलान्यास किया, उसी दिन नंदीग्राम में भी राम का पूजन हुआ और काफ़ी सारे जगह में हुआ। अच्छा। और इनमें से एक जगह में तो वो पूजन हुआ था शुभेंदु के ही जो वहाँ का लोग है, वो का पंचायत का प्रधान था, उसका नाम था पवित्र कर। वो जो बयाल में हम लोगों ने देखा ना, बयाल गांव में पूरा हंगामा हुआ, बयाल गांव का बूथ में जहाँ ममता बनर्जी में गया और जहाँ उसे दो घंटे वहाँ पर था। तो ये बयाल पंचायत में ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का काम पिछले एक साल से चल रहा है। अच्छा। जो चुपचाप हो रहा था, लोगों को पता नहीं चल रहा था, वो जो पवित्र कर है वहाँ का जो टीएमसी का पंचायत प्रधान था, वो बयाल का जो शुभेंदु के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ज्वाइन किया, वो 2020 का अप्रैल में से वहाँ सनातन सेना ये नाम लेकर एक हिंदू संगठन बना लिया, और उसके नाम से वो कोविड कोरोना के रिलीफ वर्क मटेरियल दे रहे थे और राम पूजा भी करने शुरू कर दिया। अच्छा। तो जय श्री राम भी वहाँ बयाल में ये पवित्र कर चालू किया जब वो वहाँ का टीएमसी लीडर था, उसी समय चालू कर दिया। तो इसका जो नंदीग्राम में हमने जो देखा ये इंटेंस कम्युनल कैंपेन, और पूरा कैंपेन में सिर्फ हिंदू मुस्लिम छोड़ के और कुछ मुद्दा आया नहीं, इसका जमीन शुभेंदु अधिकारी ने पिछले एक साल से तैयार किया।
जब उसका बीजेपी में आने के बारे में कोई चर्चा शुरू ही नहीं हुआ था। अच्छा, अमित शाह का वो क्रोनोलॉजी वाला जो डायलॉग था वो हाँ, बहुत फेमस बना। हाँ, बीजेपी कमिट कर चुका है कि अगर वो पावर में आएंगे तो एनआरसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो कमिटमेंट है बीजेपी के एनआरसी के तरफ, ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा या टीएमसी के पक्ष में, क्योंकि बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग भी हुआ है बंगाल में। आप देखिए, पिछले एक डेढ़ सालों से जब से कोरोना शुरू हुआ तब से बीजेपी का एक एडवांटेज हुआ, क्योंकि 2020 का फरवरी तक पूरा देश में आंदोलन चल रहा था और बंगाल में भी आंदोलन चल रहा था और ये एनआरसी के खिलाफ चल रहा था। अब कोरोना आने के बाद ये लॉकडाउन हो गया तो ये सब आंदोलन बंद हो गया और वो जो मूवमेंट का जो टेम्पो था, जो मोमेंटम था, वो कम हो गया, कम गया। उसके बाद से 2020 के एंड से उन्होंने कभी तक एनआरसी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। सिर्फ सीए मैनिफेस्टो में भी नहीं है ना, ये मैनिफेस्टो में भी एनआरसी नहीं है। वो लोग मुंह में बोलते हैं कि हम लोग घुसपैठिया हटाएंगे, लेकिन अगर आप देखिए कि पिछले दो दिन आगे ही कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि हमारे बंगाल के एजेंडा में सीएए है, एनआरसी नहीं है। क्योंकि अब अगर वो एनआरसी बोले तो प्रॉब्लम होगा, हिंदू एरिया में भी प्रॉब्लम होगा, जो हिंदू पोलराइजेशन का बात वो सोच रहे हैं, क्योंकि एनआरसी तो हिंदू लोग भी नहीं चाहते हैं। छोड़िए वो भाजपा का जो कोर वोटर बेस है, जो लोग सोचता है कि अरे मेरा ना कट जाए तो कट जाए, मुस्लिम का तो सर उड़ा दो, जो लोग सोचता है कि मेरा एक घर जाए तो मुस्लिम का 10 घर उड़ा दो, वो लोग छोड़कर एनआरसी के सपोर्ट में कोई नहीं है, क्योंकि कोई हिंदू लोग भी इतना हेरासमेंट नहीं चाहते हैं। कौन चाहता है ये कागज किसके हाथ में जाएगा, वो कौन ऑफिसर वहां पर रहेगा, वो ऑफिसर का क्या मूड रहेगा, कागज में वो क्या भूल कर देगा, मुझे कितना बार कितने जगह दौड़ना पड़ेगा, मैं कहां से मेरा बाप पिता दादा का कागज जो ये करूँ, जोगाड़ करूँ, ये सब चिंता है। लोग एनआरसी नहीं चाहते हैं, इसलिए एनआरसी की बात करना वो उन्होंने बंद कर दिया। सिर्फ ये बोलते रहते जाते हैं कि घुसपैठिया भगाएंगे, अभी तो ये भी बोल घुसपैठिया भगाने रहेंगे, वो भी बोलना बंद कर दिया, बोला कि घुसपैठिया को आने से रुकेंगे। अरे घुसपैठिया को आने से रुकने के लिए तो बीएसएफ अभी ही है, और बीएसएफ किसके हाथ में है, और घुसपैठिया आने में राज्य सरकार की क्या भूमिका होता है, वो बीएसएफ अगर किसी को ना छोड़े तो घुसपैठिया आएगा कैसे। अच्छा, सीधी बात है। तो अब वो इसे डाइल्यूट कर रहा है एनआरसी का इशू, क्योंकि जो लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा उसके आगे ये इशू 2022 से या 23 से ये मुद्दा वो लोग फिर उठाएगा, और अगर 24 में भी ना हो तो 2026 के चुनाव के आगे ये मुद्दा वो जरूर उठाएगा। अब 3-4 साल के लिए ये मुद्दा उनका बैंक में सेफ डिपॉजिट में रहेगा इंटरेस्ट बढ़ने के लिए। अच्छा, आप कल इधर हिल्स में आए हैं, कर्सियंग, दार्जिलिंग भी थोड़ा बहुत घूमे हैं, अभी कालिम्पोंग में आए, पहाड़ में किस तरह का वेव चल रहा है, दिख रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है हिल्स का पॉलिटिक्स को लेके? पहाड़ में ये पहली बार मुझे कोई वेव नहीं दिखा रहा है, दिख रहा है। जनता को कुछ डिवाइडेड और कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन एक ही साथ काफ़ी सारे साइलेंट वोटर्स भी हैं, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। और ये भी लगता है कि पूरा पहाड़ में एक जैसा वेव नहीं है, कालिम्पोंग में कुछ अलग सा, दार्जिलिंग में कुछ अलग सा, कर्सियंग में कुछ अलग सा, ऐसा लगता है। लेकिन भाजपा का कुछ प्रभाव और मोदी का कुछ पॉपुलैरिटी तो पहाड़ में भी नज़र आ रहा है। कौशिंग में आपने स्टडी किया क्या, वहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि अनित थापा का थोड़ा बहुत वेव यहाँ वहाँ पर है, क्या आपको वो दिखाई दिया कौशिंग? कर्सियंग में ऐसे अनित थापा का ही प्रभाव ज़्यादा नज़र आ रहा था, आ रहा है, लेकिन वहाँ भी लोग, वहाँ बिमल गुरुंग का प्रभाव कम लग रहा है, और अनित थापा के खिलाफ शायद, अनित थापा के साथ शायद सबसे तेज कंटेस्ट भाजपा का ही वहाँ होगा। तो बाहर से अब बात करते हैं तो 10 में तो 6 लोग, 5-6 लोग अनित थापा के पक्ष में ही बोलते हैं,
लेकिन बहुत वहाँ भी साइलेंट वोटर्स है, और कुछ अनित थापा के सपोर्टर्स लोग ही बोल रहे थे कि साइलेंट वोटर शायद भाजपा का वोटर है, तो इसलिए समझना मुश्किल है। लेकिन लगा के वहाँ अनित थापा का थोड़ा सा भी हो तो एडवांटेज है। दार्जिलिंग में विमल गुरुंग का गढ़ है दार्जिलिंग, तो वहाँ पर उनका घर है, वो विमल गुरुंग के तरफ वेव आपको दिखाई दिया या नहीं? नहीं, विमल गुरुंग के तरफ कोई वेव तो दार्जिलिंग में दिखाई नहीं दिया। उसके खिलाफ बहुत लोग उस पर बहुत लोगों का अभिमान है कि उन्होंने उनके साथ गद्दारी किया है, ऐसा उसका सपोर्टर भी है, वो तो ज़रूर है, सभी लोग उसका विरोध नहीं कर रहा है, उसका सपोर्टर भी है। लेकिन पहाड़ में लगा के कुल मिलाकर वो बीजेपी GNLF का वेव शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर वह ये दोनों GJM में कॉन्टेस्ट नहीं होता तो शायद कुछ अलग ही होता। लेकिन अब विमल गुरुंग के साथ अनित थापा का भी कॉन्टेस्ट में, ये जो गजय मोमू का जो ओरिजिनल वोट था ये तीन तरफ भाग हो जाएगा, एक तरफ विमल गुरुंग के पास जाएगा, एक अनित थापा विनय तमंग के साथ जाएगा, और कुछ वो GNLF बीजेपी के पक्ष में जाएगा। तो इसलिए वहाँ बोलना मुश्किल है, लेकिन लगा कि उधर शायद बीजेपी का एडवांटेज थोड़ा सा एडवांटेज है ओके विमल गुरुंग के ऊपर। यहाँ का दार्जिलिंग का पहाड़ का मूल मुद्दा अभी तक रहा है गोरखालैंड। यहाँ पर डिबेट यही चलता है कि गोरखालैंड वर्सेस नॉन गोरखालैंड। आप गोरखालैंड का जो स्टेटहुड डिमांड का मुद्दा है उसको किस तरह से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है इसको लेके? देखिए, एक पत्रकार के नाते मैं जैसे जो देखा कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ इसे यूज़ करते हैं, ये मुद्दा को यूज़ करते हैं। अब देखिए, ये गोरखालैंड का मुद्दा तो कोई नया मुद्दा नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंस के आगे से इसका मुद्दा चल रहा है। यहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर शुरू हुआ था, जो मूवमेंट शुरू हुआ था 1940 के दशक में, तो मुद्दा क्या था? मुद्दा गोरखालैंड था ना। वहाँ का CPM का जो तब CPI था, तो CPI का जो लीडर लोग दार्जिलिंग में पहाड़ में उनका जो संगठन बना पाया, ये तो गोरखालैंड का मुद्दा लेकर सामने लेकर, यहाँ गोरखास्थान भी एक समय बोला जाता था, गोरखालैंड ये शब्द होने के आगे भी यहाँ कुछ कुछ जगह लोग गोरखास्थान भी बोलते थे। तो ये 1940 साल से ये मुद्दा यहाँ पर जिंदा है। तो इतने दिन तक ये मुद्दा क्यों जिंदा है? इतने दिन तक ये मुद्दा जिंदा रहने का कारण ये है कि ये जो दार्जिलिंग कर्शियांग कलिम्पोंग को लेकर ये जो हिल एरिया है ये बाकी बंगाल से अलग है। इस यहाँ का जनता का संस्कृति अलग है, यहाँ का जनता का भाषा अलग है। अब ये तो हम नहीं, ये तो बोलना मुश्किल है कि बंगाल में इनको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम संस्कृति देखें तो पुरुलिया में भी संस्कृति अलग है। कलकत्ता का जो संस्कृति है वो हावड़ा हुगली उत्तर चब्बीस परगना दक्षिण चब्बीस परगना मालदा का जो संस्कृति है वो तो पुरुलिया का संस्कृति भी नहीं है। तो हर जिला को, हर दो तीन जिला जिसका संस्कृति अलग हो वो एक अलग राज्य बन जाए, ये सही है या गलत है ये एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन ये ठीक के पिछले 70 साल से और उससे भी ज़्यादा यहाँ का लोग यहाँ का अपना शासन चाहते थे। उसका एक कारण मुझे जो लगा कि यहाँ का जो पॉलिटिक्स, यहाँ का जो इकोनॉमी है वो यहाँ का जो लोग हैं उनके हाथ नहीं था। ये इकोनॉमी पर मड़वाड़ी का, बिहारी का और बंगाली लोगों का प्रभाव ज़्यादा था। चाय बागान हो या बाकी बिजनेस हो, इनमें से बंगाली लोग, मड़वाड़ी लोग, बिहारी लोगों का प्रभाव ज़्यादा था। तो ये तो इसमें तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आता ही है कि हम रहने यहाँ का जो रहने वाले हैं उनके हाथ में यहाँ का इकोनॉमी नहीं है।
तो मुझे लगा कि यहाँ में काफ़ी एक एंटी कोलकाता सेंटीमेंट भी है यहाँ के लोगों में कलकत्ता के खिलाफ। शायद इसलिए है कि बंगाली लोग यहाँ का इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं, सरकारी ऑफिस में हों या पुलिस में हों, एसडीएम डीएम हों या बैंक में हों, तो ये सब मिलाकर तो यहाँ एक एस्पिरेशन भी था कि अगर, क्योंकि ये तो अंडर डेवलप्ड एरिया भी था ना, तो कि अगर हम लोगों के हाथ क्षमता है तो शायद हम लोग ज़्यादा डेवलप कर पाएं, ये एस्पिरेशन भी था। अब वो एस्पिरेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बिमल गुरुंग ने तो उनको तो मौका मिला था जीटीए को चलाने के लिए, और 2017 में जब वो घटना हुआ, 2017 का जो इंसिडेंट वायलेंस हुआ, उसके आगे मैं जब यहाँ आया था 2016 में, 16 का शुरू में और शेष में एंड में, तब मैंने क्लियरली दिखा था कि लोग गुरुंग के खिलाफ जा रहे थे और ममता बनर्जी के पक्ष में आ रहे थे, क्योंकि वहाँ गांव-गांव में ममता बनर्जी के सरकार काम कर रहा था और लोग बोल रहे थे कि सरकार तो फिर भी कुछ कर रहा है, जीटीए तो पूरा पैसा नेता लोग अपना पॉकेट में भर रहा है। तो जीटीए के खिलाफ बहुत गुस्सा हो रहा था, बिमल गुरुंग के खिलाफ भी बहुत गुस्सा हो रहा था, और मुझे लग रहा था वो 2016 के एंड में और 2017 के शुरू में ही जब मैंने ये सब जगह एक बार घुमा तो मुझे लग रहा था कि बिमल गुरुंग कुछ करने वाला है, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी जाने वाला है और ममता बनर्जी उनका पॉपुलैरिटी ले रहा है, ममता बनर्जी का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि बिमल गुरुंग कुछ करेगा कि इसमें, जिससे यहाँ में फिर से कुछ ट्रबल शुरू होते हैं, तो वही ही हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने भूल स्टेप्स लिया, तो ममता बनर्जी के पक्ष में जो वेव बन रहा था 2016 से वह पूरा उल्टा घूम गया, स्टेट एट्रोसिटी जिस तरह का हुआ उसको लोगों ने अच्छा से नहीं लिया। और इस बार भी मैंने बात कर रहा था, सोचिए वो जो जगह है लामाहाटा, तो वहां तो कुछ भी नहीं था, उसके आगे आज से 4-5 साल आगे सोचिए वहां क्या टूरिज्म था, कुछ था क्या? अब वहां लामाहाटा एक टूरिस्ट सेंटर बन चुका है। अब वहां जो मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, किसने डेवलपमेंट किया, किसने इलाके का उन्नयन के लिए काम किया, तो बोल रहा हाँ ममता बनर्जी ने तो इसको प्रमोट किया, नॉर्थ बंगाल में टूरिज्म का ये सभी जगह को प्रमोट किया, लामाहाटा में भी उन्होंने, सरकार ने प्रमोट किया, तो अब टूरिस्ट आ रहे हैं, हमको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा, क्यों देगा? क्योंकि वो 2017 में जो हुआ उसका असर है, वो जो पुलिस एट्रोसिटी हुआ उसे जनता नहीं अच्छा से नहीं लिया, और अभी भी वो उसका सेंटिमेंट जनता पर है। आपके बुक के तरफ वन लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बुक है, उसमें एक चीज़ हमको मिसिंग दिखाई दिया कि हिल्स के पॉलिटिक्स को लेके आप कुछ भी नहीं लिखे, क्या इसको इस तरह से देखे कि बंगाल का जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो उसके लिए पहाड़ का जो पॉलिटिक्स है, हिल्स का पॉलिटिक्स उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, क्या इस तरह से देखे उसको? वो एक बात है, दूसरा बात अलग ये है भी है कि पहाड़ का जो 3 सीट हैं उनका कैरेक्टर बाकी बंगाल के 291 सीट से कम्प्लीटली अलग है। बाकी बंगाल में कौन सा इक्वेशन चलेगा इसके साथ पहाड़ में क्या होगा उसका कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ हो सकता है अगर कोई पार्टी पहाड़ का गोरखालैंड इशू को सपोर्ट कर दे तो उस पार्टी का बाकी बंगाल में सपोर्ट चला जाएगा, ये एक मुद्दा है। ये छोड़ के पहाड़ के 3 सीटों का कैरेक्टर ट्रेडिशनली बाकी बंगाल से कम्प्लीटली अलग रह चुका है, तो ये एक कारण है। और दूसरा एक कारण, वो तो मेरा ही गलती है, क्योंकि मैं वो मुझे भी लगता है कि वो बुक थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था थोड़ा, तो मुझे कुछ जगह छोटा करना पड़ा जाके उसका कीमत ज़्यादा ना बढ़ जाए।
तो उसी समय वो छोटा करने के समय कुछ जगह हमें मुझे यहाँ से बात देना पड़ा। तो ये मेरा मेरा भी ये कहना है कि ये मेरा बुक का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ दार्जिलिंग के बारे में मुझे और कुछ लिखना चाहिए था। पर आपका बुक पढ़ने वाले रीडर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हमको समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। दर्शक वृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार स्नेतेन्दु भट्टाचार्य। बङ्गालको राजनीतिको सेरोफेरोमा रहेर हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। अन्य अन्तर्वार्ताहरू लिएर हामी हाजिर भइरहनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला खबर म्यागजिन। थ्याङ्क यू।